गिरिडीह सीट से एनडीए प्रत्याशी चंद प्रकाश चौधरी भारी मतों से जीते। अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी और जनता को दिया। गिरिडीह सीट से आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद प्रकाश चौधरी को भारी मतों से जीत हासिल हुई। उन्होंने जेएमएम के जगन्नाथ महतो को हराया। चंद प्रकाश चौधरी झारखंड सरकार में मंत्री हैं। झारखंड में पहली जीत एनडीए के खाते में गई है। गिरिडीह सीट से आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद प्रकाश चौधरी को जीत मिली है। उन्होंने जेएमएम के जगन्नाथ महतो को हराया। चंद प्रकाश चौधरी झारखंड सरकार में मंत्री हैं। वोटों की गिनती में वह शुरू से ही अपने प्रतिद्वंदी जगन्नाथ महतो से आगे रहे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 12 मई को यहां मतदान हुआ। 65.93% वोट पड़े। कुल 15 प्रत्याशी मैदान में थे। 2014 में यहां से बीजेपी के रविंद्र पांडे को जीत मिली थी, लेकिन इस बार यह सीट एनडीए के तहत आजसू के खाते में गई और चंद प्रकाश चौधरी भारी मतों से विजयी हुए। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जीत का श्रेय भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और जनता को दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जनता ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। देखिए, चुनाव में कोई परेशानी नहीं था, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है और इसको पूरा करना भी था और सभी लोगों के बीच में जाना मेरा मकसद था, सभी लोगों से मिलना, सभी जगहों से जी नहीं। देखिए, प्रबंधन तो अपना है ही, चुनाव जो प्रक्रिया प्रबंधन होता है, भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी के सभी पदाधिकारी, एनडीए के सभी लोगों ने व्यापक समर्थन दिया, सभी लोगों ने दिल से मदद किया, जिसका परिणाम है कि आज भारी जीत हम लोगों को हासिल है। देखिए, सबसे पहले हम गिरिडीह की जनता को, गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की जनता को सबसे पहले हम बधाई देते हैं। हमें एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान था पूरे देश में, और सभी लोगों का एक ही था कि नरेंद्र मोदी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने, और सभी लोगों ने मोदी जी के कार्यकाल का 5 साल का कार्यकाल पर फिर से दोबारा मोहर लगाया है। और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि गिरिडीह की जनता ने जो मुझे काम करने का अवसर दिया है, हम उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करें। चंद प्रकाश चौधरी की जीत पर रामगढ़ और गिरिडीह में जश्न का माहौल देखा गया। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजियां करते हुए लोगों को मिठाई खिलाकर जीत की खुशी का इजहार किया। उसी के तहत रामगढ़ के हृदय स्थली सुभाष चौक पर भी भाजपा और आजसू के कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। कार्यकर्ताओं ने जमकर जीत का जश्न मनाया, पटाखे फोड़े और लोगों को मिठाइयां खिलाते हुए मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। आज पूरे भारत में यहाँ की जनता, पूरे भारत वर्ष की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करते हुए पूरे भारत में एक मुस्त होकर के वोट देने का काम किया, आशीर्वाद देने का काम किया। देश हित और राष्ट्र हित में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी एक विकल्प थे जो कि जनता ने स्वीकार किया और 2019 में रिकॉर्ड मत से जिताने का काम किया। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सरकार बनने जा रही है, और रामगढ़ विधानसभा की तर्ज पर गिरिडीह लोकसभा की जनता ने भी श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को भारी मतों से जिताने का काम कर रहे हैं, और हजारीबाग लोकसभा के जयंत सिन्हा जी भी भारी मत से जीत रहे हैं, और 14 लोकसभा झारखंड में हम लोग रिकॉर्ड मत से जीतने का काम कर रहे हैं, और जनता हम लोग को आशीर्वाद दिए हैं। भारी मतों से जीत होने का एक ही कारण है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी देश हित में और राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और गरीबों के हित में ही काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज हम लोग के बीच देखने के लिए मिला है कि भारी मतों से 340 सीट से भी ज्यादा मत मतलब सीट लाए हुए हैं, और भारी से भारी मतों से हम लोग का एनडीए का सरकार बनने जा रहा है। दी वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज लैंप्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है